बस वापस आ गया। आराम से अभी देखा छेखा बात किया इधर उधर, और मोदी साहब का देखा उसको हमने, बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। वापस आ जा रहे थे क्यों जा? बस आराम से आप वापस जाएंगे, हमें गाड़ी है, हम पे गाड़ियों में इंतजार करेंगे, गाड़ी ढूंढेंगे, अपनी गाड़ियों में बैठेंगे आराम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम। मे अर्ज यम जन यम ग्रीवेंस सेल का करन छु कोस खिलाफ हज ठीक, और अगर सु पोज आसे तात पर गसे एक्शन गसे, अगर नहीं पोज आसे कि यम ये ग्रीवेंस सेल करन वर आसन तिमन खिलाफ गसे तात कारवाई गसे ठीक। अब सबसे पहले मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 70 साल, 370। एक बात बताऊंगा, मोदी जी नहीं, ये यहाँ की आवाम भी समझ चुकी है कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक मजाक था, क्योंकि जो यहाँ का लीज का सिस्टम था वो 3 महीने होना चाहिए था, लेकिन इन 90 90 साल पे अपने जो यहाँ होटल्स वगैरह ये बेच दिए थे, और उसमें ये लोग पार्टनरशिप थे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात की जाए, उमर साहब की बात की जाए, या जो भी ये बड़े पॉलिटिशियन थे उसमें मलोस थे। तो अब टेररिज्म के बदले टूरिज्म, जम्मू कश्मीर में ऐसे गांव बदे, जैसे उड़ी की बात की जाए, कुपवाड़ा की बात की जाए, हमारा हुकूक छीना गया था, नेटवर्क चलाने का हक जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों को नहीं था। तो इसके बाद जनाब ये चीज है कि लेकिन जो अमेर थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं वो मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि क्योंकि यहाँ जो अगर बात की जाए यहाँ की टूरिज्म पे, टूरिज्म यहाँ जब तक टूरिज्म नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है, और यहाँ के नौजवान, यहाँ के पढ़े लिखे लोग, क्योंकि हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बंदूक को तर्क किया और टूरिज्म की तरफ अब आना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो उनको भी हाथ खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो दो लोग जो ज़्यादा लोग इसमें आए थे उनका एक ही मुद्दा था, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ की शायद बिजली फ्री हो सकती है, और यहाँ जो डेली वेजर्स जो 1990 से सड़कों पे है, कहीं ना कहीं उनको जो हकूक है मनुष्य एक्ट लागू जम्मू कश्मीर में किया जाए, लेकिन कहीं काफ़ी लोग जो थे उनको मायूसी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो डेली वेजर्स का बात इशू नहीं उठाया गया, और जो बिजली का मुद्दा था वो अभी पेंडिंग का पेंडिंग है। ये था कि मोदी जी का केयर, मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि उसको हर एक चीज़ पे नज़र है, वो हर एक चीज़ को, हर एक बंदे को ढूंढता है, उसको हर एक रीजन, हर एक एरिया और ज़बान से हो, कल्चर से हो, किस तरीके से के लोग हो, मोदी जी हर एक को प्यार करते, कश्मीर के लिए उसने स्पेशली वक्त निकाला, यहाँ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी को चेक कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पर वो जो डिलीवरी थी उसको देखते थे, तो उसने डिलीवरी को देखा कि किस तरीके से ग्राउंड पर काम हो रहा है, और जिस तरह का उसने खुद अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे उस तरीके से, ये चीज़ तो बिल्कुल समझ आती है कि मोदी जी का जो प्लान है कश्मीर को और ज़्यादा, जो उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया है, पूरे मुल्क के अंदर काम किया और जम्मू कश्मीर के लिए काम, वो 17 साल में नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है, सब लोगों को लग रहा है कि मोदी जी आने वाले नई टर्म में जिस लेवल पे जम्मू कश्मीर को लेना चाहेंगे वो एक ख्वाब है, और वो पूरा हो जाएगा, और वो कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। रैली के लिए हवाले से यही रहेगी कि मोदी जी को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे वो, और पार्टी का जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो ईमानदारी का सिस्टम, जो डिजिटलाइजेशन, जो बाकी चीज़ें हैं, जो हर एक घर तक वो मोदी जी पहुंचे, चाहे गैस की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसानों को जो पैसा देते हैं खाद के लिए, दवाइयों के लिए, हर एक सेक्टर को उन्होंने कवर करा है, अगर उस चीज़ को लोग समझे तो मैं कहूँगा उनको डेफिनेटली बाकी सब पार्टियों का साथ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने खानदानी राज चलाया, यहाँ मुल्क का राज चलेगा, यहाँ इंसानियत का राज चलेगा, मोदी का जी का साथ दें, फिर एक टर्म में वो तो पक्का जीत जाएंगे, लेकिन हमें जल्द अज जल्द अब उन लोगों को साथ छोड़ना चाहिए जिन्होंने हमसे धोखा किया वोट लेके, और हमारे डेवलपमेंट के नाम पे ठेंगा दिखाया कश्मीर को। सर मुझे तो पता ही नहीं वो क्यों नाराज थे।